अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये है आपकी हिंदी व्याकरण वाटिका सेकंड क्लास की पार्ट चार मात्राएं। मात्राएं सीखेंगे हम इसमें कि मात्राएं क्या होती हैं। हमने बारह खड़ी पढ़ी है, कक्का, किक्की, कुक्कू, ये सब क्या होती हैं जो इनमें लगती हैं, वो होती हैं मात्राएं। आ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। मात्रा की परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर मात्रा बनकर जुड़ता है, और मात्रा हमेशा किस में होती है? स्वर में, जो व्यंजन के साथ जुड़ता है। जैसे पा में आ का स्वर पा, पतंग, पा में आ का स्वर पा, पालक, पा में छोटी ई का स्वर पी, पिचकारी, ई का स्वर जुड़ने पे कौन सी आवाज आई? ई, पिचकारी। पा में बड़ी ई का स्वर पी, पीला, पा में छोटे ऊ का स्वर पू, पुल, पा में बड़े ऊ का स्वर पू, पूड़ी, पा में रेस ऋषि का स्वर जुड़ा पृथ्वी, पा में ए का स्वर जुड़ा पेड़, पा में ऐ का स्वर पई, पैर, पा में ओ का स्वर पो, पोटली, पा में औ का स्वर पऊ, पौधा। रा में ऊ की मात्रा इस तरह लगती है। रा में देखिए छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है? छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है, रुपया, और बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से, रुमाल। मात्राओं के अतिरिक्त अंग अह का प्रयोग भी व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में होता है। जैसे पा में अंक की बिंदी पंछी, पा में अंग चंद्र बिंदु वाली पंखुड़ी, पा में अह का स्वर पह। अभी आपको आपकी बुक में फिल करना है पेज नंबर 16 पर। नीचे क वर्ण के साथ लगाए गए चिन्ह मात्राएं की तरह ही अन्य वर्णों के साथ चिन्ह लगाओ। ग ग गी गी गु गु ग्र गे गई गो गौ गंग गंग गह छ छ छी छी छु छु छ छे छई छो छौ चं छं छ। सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। चूहा, ये क्या हुआ? ढोलक। मिठाई, तितली, तोलिया, बकरा। मिलान करो, ठीक है? ये काम आपको बुक में फिल करना है, और ये वाला काम आपको आपकी व्याकरण वाटिका की कॉपी में करना है। मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। रा में ऊ की मात्रा किस प्रकार लगती है? ये मैंने लगा दी है, रा ऊ रुपया, रा ऊ रुमाल, ठीक है? ये काम आपको कॉपी में करना है। अल्लाह हाफिज़।